अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी डेली बेसिस पर लर्निंग भी कर रहे होंगे, वीडियोस को भी तवज्जह से देख रहे होंगे। आज हम चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा अमूमन इंसानों में स्वेटिंग का प्रोसेस कि जिससे जो एक्सेस वाटर है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट में भी एक प्रोसेस मौजूद है कि जिसमें जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट के एरियल पार्ट से वेपर्स की फॉर्म में एवोपरेट होता है थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्ट्रोमेटा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी लॉस ऑफ इंटरनल वाटर ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यहाँ हम डायग्राम में देख लेते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लीफ का, और हमें मालूम है कि हर स्ट्रक्चर जो है वो सेल से मिलके बना है और सेल के अंदर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। जब सनलाइट इस लीफ पे फॉल करती है तो क्या है कि ये जो वाटर मौजूद है ये एनर्जेटिक हो जाते हैं इसके मॉलिक्यूल, और ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं गैशियस स्टेट में। यानी पहले ये मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, सेल से बाहर आएंगे, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होंगे, और फिर ये जो स्मॉल ओपनिंग है जिन्हें हम स्ट्रोमेटा का नाम दे रहे हैं, ये क्या है, एवोपरेट कर जाएंगे और ये एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो ये तो हमारे पास प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का। अब देखिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता किस तरह से है या उसके पीछे क्या मैकेनिज्म या थ्योरी मौजूद है। अब यहाँ जब ये जो लीफ के सेल्स हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद थे, जब ये मॉलिक्यूल जो है सेल से बाहर चले गए हैं, तो यहाँ अब इन सेल्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो अब ये सेल क्या करेंगे, लीफ के सेल ये स्टेम से वाटर मॉलिक्यूल्स को या वाटर को मूव करवाएंगे, और वाटर कहाँ आ जाएगा, लीफ सेल में। लेकिन क्या है कि अब स्टेम के जो सेल्स हैं यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो अब जो रूट के सेल्स हैं ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को मूव करवाएंगे, और वाटर मॉलिक्यूल रूट से मूव करता हुआ कहाँ चला जाएगा, स्टेम में चला जाएगा, और इस तरह स्टेम से कहाँ आ जाएगा, लीफ में आ जाएगा, और ये प्रोसेस होता रहेगा। यानी कि जब तक ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन सॉइल से कंटिन्यूस या मुस्तकिल होती रहती है। और हमें ये भी मालूम है कि वाटर जो है जो मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीफ, ये स्पेशल टिश्यूज़ हैं जिन्हें हम जाइलम का नाम देते हैं, जाइलम वेसल्स। वाटर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है इनमें इनके थ्रू कंडक्ट करता है किस तरह से, कि ये देखिए ये सॉइल मौजूद है, हमें मालूम है कि सॉइल में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर मूव करता हुआ कहाँ आ जाएगा, स्टेम तक, रूट तक, और रूट से फिर कहाँ स्टेम, और स्टेम से कहाँ आ जाएगा, लीफ तक। क्लियर हो रही है बात कि किस तरीके से जो है ये पूरा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, कि जब तक जो है वो सनलाइट फॉल करती रहेगी लीफ पर, तब तक क्या है, वाटर एवोपरेट करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्ट्रोमेटा, और जब वाटर की डेफिशिएंसी होती है लीफ में तो फिर वाटर स्टेम से मूव करता हुआ लीफ में आता है, स्टेम में वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो रूट से जो है वाटर मूव करता हुआ कहाँ आता है, स्टेम तक, और जब यहाँ रूट में डेफिशिएंसी होती है तो यह इसकी कंसंट्रेशन वाटर की कम होती है, तो विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है सॉइल से कहाँ, रूट तक। अब ये प्रोसेस देखने में जितना आसान है, एक्चुअली इसके पीछे पूरी डिफरेंट टाइप की फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। यहाँ देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, और हमें ये बात मालूम है कि सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ वाटर वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो कहलाती है कोहेसिव फोर्स। इसी तरह से एक और फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम के दरमियान मौजूद है, और इस फोर्स को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हुए हुए हैं। तो ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो कॉलम है या ये पूरी जो पानी की लड़ी है ये किस तरह से मूव करती हुई ऊपर की तरफ आएगी, ये अगर हम देखेंगे, ये पूरे के पूरे क्या है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है वो ज्वाइन हुए हैं। ऊपर की तरफ जो है वो मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो है यहाँ कोहेसिव फोर्स मौजूद है, फिर जाइलम है तो उसकी वजह से एडहेसिव फोर्स भी होगी, और नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटी, ये भी एक टाइप की फोर्स है, ये क्या करेगी, इन वाटर मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ खींचेगी। लेकिन चूंकि ये
फोर्सेस एज कम्पेयर टू ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि सिंपली टेंशन या पुल क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, और वाटर जो है वो मूव कर जाता है टूवर्ड्स लीव फ्रॉम रूट्स, और जाइलम में जो है वो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से जो है ये वाटर मूव करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम का नाम देते हैं, कि ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम क्या है कि जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट टू लीव, और ट्रांसपिरेशन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ट्रांसपिरेशन में जस्ट वाटर जो है, एक्सेस वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में स्ट्रोमेटा से एवेपरेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ हम फोर्सेस का भी जिक्र कर चुके हैं कि इसमें एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स मौजूद है, और आप एसेंट ऑफ सैप भी जानती हैं। एसेंट ऑफ सैप क्या है, जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर हो रहा है, एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, और सैप क्या चीज़ है कि वाटर के अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं, आयंस हैं, अमीनो एसिड्स, शुगर वगैरह डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं सैप। तो ये जो मिक्सचर है इसका ऊपर की तरफ मूव करना ये कहलाता है एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसकी वजह से कि एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा। देखिए, स्ट्रोमेटा हमने क्या कहा था कि कहाँ मौजूद होते हैं, लीफ के जो एपिडर्मल सेल है ये स्ट्रोमेटा वहाँ मौजूद होते हैं। स्ट्रोमेटा क्या है, स्पेशल ओपनिंग या पोर्स है। अब ये कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, ये हम यहाँ मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये जो बीन शेप का स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल, और ये जो गार्ड सेल हैं ये कहाँ मौजूद हैं, ये जो एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये यहाँ एपिडर्मल सेल पे मौजूद होते हैं। एपिडर्मल जो पूरी लेयर है वहाँ ये गार्ड सेल मौजूद होते हैं, और इसके इर्द गिर्द ये सारे एपिडर्मल सेल हैं। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो चूँकि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ ज़्यादा हो जाती है। अब हम ये बात जानते हैं कि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर गार्ड सेल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यकीनन वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। तो वाटर एपिडर्मल सेल से मूव करता हुआ कहाँ आ जाता है, गार्ड सेल तक, जिसकी वजह से गार्ड सेल जो है ये एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं, यानी टर्जिड हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है जैसे हम एक बलून लें और उसमें पानी भर दें, तो आपने देखा है ना कि पूरा जो बैलून है वो किस तरह से स्ट्रेच हो जाता है और एक प्रेशर एग्जर्ट करता है बलून की वॉल्स पे। तो इसी तरह से प्लांट के गार्ड सेल में भी यही हो रहा होता है कि वाटर की वजह से ये स्ट्रेच हो जाते हैं, टर्जर हो जाते हैं, और जो प्रेशर है वो इसकी वॉल्स पे अप्लाई हो रहा होता है, गार्ड सेल की वॉल्स पे, जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, और यहाँ स्पेस अराइज होती है, इस स्पेस को हम कह देते हैं स्ट्रोमेटा। देखिए, ये जो इसकी वॉल्स हैं, ठीक है, इनर वॉल्स भी होती हैं और आउटर वॉल्स भी होती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो इनर वॉल है गार्ड सेल की वो थिक और इन इलास्टिक है। ये वाली जो इनर वॉल है ये थिक है और इन इलास्टिक है, जबकि जो गार्ड सेल की आउटर वॉल्स हैं वो थिन होती हैं और इलास्टिक होती हैं, जिसकी वजह से जो है ओपनिंग और क्लोज होने में, ओपनिंग या क्लोज होने में स्ट्रोमेटा को हेल्प मिलती है। तो इस तरह जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है तब तक स्ट्रोमेटा ओपन रहते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो उस वक्त ये जो गार्ड सेल हैं इनमें अब सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी जो है या वाटर मूव कर जाएगा गार्ड सेल टू एपिडर्मल सेल, और हमारा ये जो गार्ड सेल्स हैं प्लांट के ये कैसे हो जाते हैं, फ्लैसेड हो जाते हैं, और फिर ये स्ट्रोमेटा जो है ये क्लोज हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है टर्जिडिटी पे, और टर्जिडिटी अल्टीमेटली डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस पे। आई होप कि आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो स्ट्रोमेटा ओपन होते हैं और किस तरह स्ट्रोमेटा क्लोज होते हैं, यानी जब तक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहेगा तब तक स्ट्रोमेटा ओपन रहेंगे, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है असेंट ऑफ सैप में।
अभी हमने ये बात की थी कि ट्रांसपिरेशन की वजह से, कि देखें जैसे जैसे जितना ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा होता है या वाटर एवेपरेट हो रहा होता है, इतनी ही वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ रही होती है। तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होके या मूव करता हुआ आता है टूवर्ड्स लीव। तो इस तरह से असेंट ऑफ सैप में जो है ये वाटर, ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ये हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है, ये वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है सॉइल से, इसके रेट को इंक्रीज करवा देता है। अभी हमने ये बात की है कि जितना ज़्यादा वाटर एवोपरेट होगा लीव से, उतना ज़्यादा जो है वो सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है गेट रिड ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। हम ये जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो वाटर है वो कुछ वाटर तो फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से प्लांट से एवोपरेट कर जाता है थ्रू स्टोमेटा। तो इस तरह से प्लांट जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर से रिलीज कर देता है या एवोपरेट करवा देता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। कि जब हम ये देखते हैं कि इंसानों को पसीना आता है तो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी जब वाटर जो है बॉडी से बाहर जाता है तो अपने साथ हीट लेके जाता है। बिल्कुल इस तरह प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होता है कि जितना जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट बॉडी से एवोपरेट हो रहा होता है। न सिर्फ वाटर बल्कि जो प्लांट में हीट होती है वो भी वाटर के साथ ही एवोपरेट होती है, और इस तरह प्लांट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और एक कूलिंग इफेक्ट प्लांट में क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, या ट्रांसपिरेशन के ज़रिए स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कंट्रोल होती है। यानी अगर स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, और अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं या जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। लास्ट हमारे पास पॉइंट है प्लांट डाई ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। आपने देखा होगा कि जब वेदर कंडीशन जो है एक्सट्रीम पे चली जाती है, यानी टेम्परेचर 40 मोर देन 40 पे पहुंच जाता है, तो उस वक्त अक्सर जो प्लांट हैं वो मुरझा जाते हैं या डाई हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी ज़्यादा है कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली क्या है कि प्लांट डाई हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंस थी ट्रांसपिरेशन की। तो आज हमने अपने लेक्चर में किन पॉइंट को डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने ट्रांसपिरेशन देखा था कि किस तरह से जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट बॉडी से एवोपरेट होता है थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। उसके बाद हमने देखा था पूरा मैकेनिज्म कि किस तरीके से जो है वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है और पूरा मूव करता हुआ लीफ तक आता है और स्टोमेटा से वो एवोपरेट हो जाता है। फिर हमने जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म देखा स्टोमेटा का, और लास्ट में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिस्कस किया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।